हेलो नॉलेज के दीवानों, स्वागत है आपका फिजिक्स फेम चैनल पर। देखिए, ये मेरे हाथ में एक आयरन नेल है, ये धागा है और ये मेरे हाथ में हैमर है। अब मैं इस आयरन नेल को यहाँ पर इसके बिल्कुल सेंटर में से ठोक देता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं यहाँ पर एक पेन रखता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक पेन रखा और मैंने इसे इसके चारों तरफ रोटेट किया, ठीक है। तो रोटेट करने पर मैंने देखा कि एक सर्किल बना। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या मैं नया बता रहा हूँ, तो अब देखिए इसमें नया क्या है, देखिए। फिर उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ कि आज का मेरे से बताने का मकसद क्या था। अभी मैं दूसरा पेज लेता हूँ। अभी दो आयरन नेल आती हैं, ठीक है। इस आयरन नेल को मैं यहाँ पर गाड़ देता हूँ, ठीक है, और इस आयरन नेल को मैं थोड़ा सा ढीला धागा छोड़कर यहाँ पर इसे स्टिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे गाड़ दिया। अब देखिए, अब मैं ये पेन लेता हूँ और इस पेन को देखिए अब ज़रा ध्यान से, यहाँ से चलाना मैं इसे शुरू करता हूँ। सॉरी, ये थोड़ा सा बिगड़ गया है, ये यहाँ से चलाना मैंने शुरू करा और उसके बाद में ये जो पेन है ये यहाँ से चलाता हूँ मैं। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पर पोर्शन आया, ये जो ये चीज़ आई, ये क्या है, ये एक इलिप्स है। और इसके बताने का मकसद मेरा ये था कि ये जो इलिप्स है इसके दो फोकस होते हैं, और ये कैपलर ने बताया था अपने लॉ में, पहले लॉ में, कि सन जो होता है वो एक फोकस पर होता है इलिप्स के, कोई सा भी ये इसकी जो होती है ये वाली लाइन, इसे कहा जाता माइनर एक्सिस, और ये वाली जो लाइन होती है, ये एक्सिस जो होती है, इसे कहा जाता मेजर एक्सिस। और इस मेजर एक्सिस के एक पोल पर सन होता है, या तो आप इधर कंसीडर कर लीजिए, ये इधर, और प्लैनेट जो है वो इस ऑर्बिट में राउंड करते हैं। ये जो ऑर्बिट है ये क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यानी कि इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट राउंड करते हैं। तो इसके दो फोकस होते हैं, मेरी बात आप समझ रहे हैं, दो फोकस होते हैं इलिप्स के। जबकि मैंने जो अभी बनाया था सर्किल, इसका आपने देखा था इसका सिर्फ एक फोकस था, तो ये सर्किल बना। और अगर दो फोकस है तो क्या बनता है, एलिप्स बनता है, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बनाकर दिखाया। समझे आप? थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू अगेन।